नमस्ते, हमेशा खुश रहो। माई सेल्फ जीवीन ज्योति कुमावत, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेथोडोलॉजी, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोग्राम लर्निंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, today we have merits and demerits about this। तो देखिए, प्रोग्राम लर्निंग के बारे में यह लाभ को जो दर्शाता है, फैक्ट वो है कि यह तकनीक छात्रों को प्रोग्राम लर्निंग के माध्यम से सक्रिय एवं आत्मनिर्भर बनाता है। इस प्रकार के प्रोग्राम लर्निंग को फॉलो करने पर विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तथा यह प्रोग्राम लर्निंग जो है यह व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है, जिससे छात्र अपनी अपनी गति के अनुसार आगे से आगे अग्रसर होने में समर्थ होता है, तथा शाखात्मक प्रोग्राम लर्निंग के माध्यम से छात्र अपनी निजी आवश्यकताओं को भी पूरी कर पाता है तथा उनकी जानकारी ले पाता है। इस अधिगम के माध्यम से अधिगम प्रोसेस जो है वो बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत अधिगम प्रक्रिया को स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, सोपानों में डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद ही यह अधिगम प्रक्रिया प्रस्तुत की जाती है। इस प्रणाली के माध्यम से स्व अनुदेशात्मक उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, टीचिंग मशीन, प्रोग्राम आदि को पुनर्बनन मिलता है, क्योंकि इस प्रणाली का यूज़ करके हम इनकी ओर अग्रसर होते हैं और इनका यूज़ करना होता है इस प्रणाली का। नेक्स्ट, यह अध्यापकों को अपने कार्यभार को हल्का करने में भी सहायक है। इस प्रकार से बचे हुए समय को अध्यापक अन्य रचनात्मक क्रियाओं में उपयोग में ला सकता है। इस परंपरागत अध्यापन की तुलना में प्रोग्राम लर्निंग जो है वो अधिक अच्छी योजना व तैयारी के साथ प्रस्तुत होती है, योजनाबद्ध है, प्लानिंग करनी होती है इसके अंतर्गत, तो बहुत ही सफल यह तकनीक है। प्रोग्राम लर्निंग जो है वो मूल्यांकन और लर्निंग दोनों को ही शामिल करती है, अतः स्व शिक्षा एवं स्व मूल्यांकन भी एक अच्छी पद्धति है। इस प्रोग्राम लर्निंग में शामिल अनेक पहलू जैसे कार्य को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने में सहायता मिलती है, पत्राचार छात्रों के लिए जो कि घर बैठकर ही अपना व्यवसाय करते हैं, उच्च शिक्षा संपन्न करना चाहते हैं उसमें बहुत उपयोगी है, शिक्षा जगत में आधुनिकतम विकासों में सेवारत अध्यापकों को इस अभिगम के माध्यम से अवगत कराया जा सकता है, कक्षा अध्यापन में कुछ बुद्धिमान तथा मेधावी छात्रों को प्रोग्राम लर्निंग के द्वारा और अधिक पाठ्यक्रम दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी गति के अनुसार अधिक उन्नति कर पाते हैं, तथा इस अधिगम के द्वारा गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए उपाय भी किए जाते हैं। यह सीखने वालों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित तो करता ही है, और तर्कपूर्ण ढंग से सोचने के लिए भी विद्यार्थी योग्य हो जाते हैं। आखिर में इसका जो लाभ है वो इस प्रकार है कि यह विद्यार्थियों के अंदर, जो विद्यार्थी सीखना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के अंदर प्रोग्राम लर्निंग के द्वारा सृजनात्मक शक्ति को विकसित किया जाता है। बच्चे अपने आप सृजनात्मक करने लगते हैं। वास्तविक कुछ विषयों के कठिन क्षेत्रों में
इसको लागू करके अनेक छात्रों की मदद भी की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरिट्स थी कुछ प्रोग्राम लर्निंग की। अब हम बात करते हैं डी मेरिट्स की। तो निसंदेह जो इसके कुछ लाभ है तो कुछ त्रुटियां भी हैं इसके अंतर्गत, जो कि इस प्रकार हैं। इसमें परंपरावादी शिक्षक पढ़ाने की विधियों में परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से इस प्रोग्राम लर्निंग को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अध्यापक और छात्र का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, परंतु इस प्रोग्राम लर्निंग के अंतर्गत यह कोई सशक्त नहीं हो पाता है, उनका संबंध पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। कुछ छात्र जिन्हें स्वक्रिया की आदत नहीं है, वह अभ्यास नहीं कर सकते हैं, करते हैं, और उनमें से कुछ सुस्त बन जाते हैं और कुछ नींद अनुभव भी करने लगते हैं, तो यह इसका एक हानि है, सीमा है इसकी। भारतीय परिस्थितियों में छात्रों के लिए उपयुक्त अभिग्रह बनाने की आवश्यकता है, जो कि बहुत खर्चीला है। अब प्रोग्राम लर्निंग योग्य दृष्टिकोण, सौंदर्यबोध एवं नैतिक स्तर को प्रेरित नहीं करता है। इस अभिक्रम के माध्यम से विषय वस्तु जो छात्रों को प्रस्तुत किया जाता है और वे जो अनुक्रियाएं करते हैं वो ओनली कल्पना विकास में सहायक रह पाती है, पूर्ण तरह से सत्य नहीं हो पाती है। यह एक लचीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक छात्र को कठोरतापूर्वक एक ही मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। तो यह पूरी तरीके से भी छात्रों में सुगम, छात्रों के लिए सुगम नहीं होता है। इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग के कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं हमको फॉलो अप करने में। धन्यवाद।